नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं हैं, अच्छे इरादों को भूलते नहीं हैं और कभी भी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। इस चुनाव को बीजेपी से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है, लेकिन हमारा विरोध करने वालों का फॉर्मूला है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। साथियों, इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाओं के कारण मैं रूबरू जाकर के मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं एक ही दिन में तीन राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। और कल जो मैंने तीन राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव मामले पर ट्वीट कर प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मामले पर दुख जताते हुए कहा कि सपा नेता के खेत में शव मिलना गंभीर मामला है। खेत में युवती का दफनाया हुआ शव बरामद हुआ है। परिजन सपा नेता पर अपहरण और हत्या की आशंका जता रहे। मामले की जाँच कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता और डिजिटल मीडिया संयोजक अंशु अवस्थी ने कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी सरकार का असल सच उन्नाव की घटना से उजागर हो गया। उन्नाव में दलित बेटी का अपहरण और हत्या दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। 24 जनवरी से पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। भाजपा सरकार की दलित विरोधी सोच आज फिर से उन्नाव में दिखाई पड़ी। एक बेटी की जान चली गई। पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को, उस हमारी दलित बहन को बचाया जा सकता था। सच्चाई यह है कि कानून के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री जी हर बार घटना पर पर्दा डालते रहे और अपराधियों को बचाते रहे। आज उसी का परिणाम है कि आपको बता दें कि उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता युवती की शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस मामले में सपा नेता के बेटे रजौल सिंह के ऊपर परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया था, जिसकी गिरफ्तारी में देरी होने पर हाल ही में सीएम योगी ने भी जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस एक्शन में आई थी। पुलिस की टीम ने लड़की की तलाश में कई जगह अपनी टीमें भेजी थी, जिसका शव आश्रम में दफनाए हुआ मिला था, जिसका सुराग पुलिस को मिला था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के आधार पर जांच की जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की खुदकुशी दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसकी आ रही थी, इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, परिजनों ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि सही से कार्रवाई नहीं की है, अगर समय रहते कर देते तो शायद ये घटना न होती। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे, अगर किसी प्रकार का किसी भी दरोगा का या अन्य कर्मचारी का कोई दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि जो परिणाम 10 मार्च को आने थे वो 10 फरवरी को ही आ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे सीएम ना जाने किस किस प्रदेश से तुलना करते हैं। नीति आयोग के आंकड़े में तो यूपी सबसे फिसड्डी है। जिनके परिवार नहीं होते वो यूपी के परिवार वालों का दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, साथ ही सरकारी विभाग में खाली पड़े 11 लाख पदों को भी भरा जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा कि जो मैनिफेस्टो में चीजें रखी हैं, किसान और नौजवान और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। उपमुख्यमंत्री का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी करी गई है, 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे और जो अर्थव्यवस्था उसको भी दोगुना कर दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनका मैनिफेस्टो फोटो ही नहीं है। जिस उप मुख्यमंत्री की फोटो ही नहीं रखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 साल उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनकी तस्वीर लगाई जा सके, तो इसीलिए तस्वीर नहीं लगी उनकी। और आपने देखा नहीं, पैदल पैदल कर दिया बड़े नेता ने एक को, और जब छोटा पैदल हुआ तो उसने दूसरे को स्टूल पे बैठा दिया। नहीं, आपको नहीं पता, चुनाव लड़े सराथू से। स्टूल वाले मंत्री हैं जो सराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी भी तस्वीर नहीं होगी मैनिफेस्टो में। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 4.5 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जो तस्वीर लगा करके वोट लिया जा सके। सीतापुर में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने न्यूज़वर्ल्ड इंडिया को धन्यवाद दिया है। बता दें कि 3 दिन पहले शिक्षा मित्रों की खबर को न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों के समायोजन का जिक्र किया। वहीं पूर्व कारागार मंत्री रामपाल राजवंशी ने न्यूज़वर्ल्ड इंडिया को धन्यवाद दिया और कहा जो मैंने शिक्षा मित्रों से वादा किया था समायोजन को लेकर, उसी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों के समायोजन का जिक्र किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मंत्री की बात को सुना और गंभीरता से लिया। पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे बातों को संज्ञान लेते हुए शिक्षा मित्रों जो संघर्ष की घड़ी में फंसे हैं, तमाम लोगों की शादियां रुक गई हैं, तमाम लोग मृत हो गए हैं,
तमाम लोग, ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनकी शादियां छूट गई है, इन सब चीज़ों को क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि बहुत ही शिक्षाविद और प्रेरक परेशान हैं, इसमें इसके साथ में प्रेरक भी परेशान हैं, आशा बहुएं परेशान हैं, आज सब लोग बिल्कुल उत्तेजित हैं जी। और हमारी बात को माननीय राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी ने जो संज्ञान लिया है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बरेली में AIMIM चीफ असिस उद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुंडे माफिया जेल में हैं, तो उनके ऊपर हमला किसने किया, उनके पास हथियार कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शादी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपके ट्रिपल तलाक कानून बनाकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ओवैसी जिले की B3 चैनपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में संदेश देते हुए नजर आए। अखिलेश यादव मुसलमानों को कैदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते। उनका जो वादा था 2012 में कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया। शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया, मगर ई रिक्शा ज़रूर देंगे कि आप गरीबी में रहिए। तो इनके तमाम वादे झूठे हैं, ढकोसले हैं। इनको कोई एम्पावरमेंट से मतलब नहीं है, हिस्सेदारी से मतलब नहीं है। हम बागेदारी परिवर्तन मोर्चा में कह रहे हैं कि अगर सत्ता उत्तर प्रदेश जनता देती है तो एक डिप्टी CM मुसलमान को बनाएंगे, दो अति पिछड़ा को बनाएंगे। बोलो अखिलेश, तुम बनाओगे? नहीं बनाओगे तुम। तुम यही चाहते हो कि आपको सत्ता मिले और फिर आपका परिवारवाद चलता रहे। और जो बचे कुचे जो मुस्लिम नेता समाजवादी में, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप रहें, आपका अख्तियार है, मगर अखिलेश यादव आपको जो लॉलीपॉप दे रहा है MLC का, वो भी पोस्टपोन हो गए अप्रैल में। अब अप्रैल में तुमको कौन याद रखेगा भैया? तुम्हारी अहमियत तो मार्च के 7वें फेज तक है। और रहा सवाल राज्यसभा का, वो तो सिर्फ प्रोफेसर को मिलेगा, तुम तो प्रोफेसर भी नहीं हो। संभल के चंदौसी में मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और SC ST आयोग की सदस्य गीता प्रधान नाराज हो गई। इतना ही नहीं, उनकी आंखों से आंसू भी छलके। साध्वी ने स्थानीय BJP पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो दलित हैं, इसलिए उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। साध्वी गीता प्रधान का आरोप है कि मंच पर जगह दी वो दर्जा प्राप्त मंत्री ने दी। CM ने उन्हें 2 बार दर्जा मंत्री बनाया, पार्टी में वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थानीय BJP पदाधिकारियों ने उन्हें मंच पर नहीं बैठाया। संगठन के लिए उनसे चंदा लिया जाता है, वो UP की अकेली वाल्मीकि मंत्री हैं, दलित होने की वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया जाता। तीन साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा, मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जान पूछ कर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से, उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता, मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। समल में दूल्हे के भेष में बसपा प्रत्याशी घोड़ा बग्घी पर बैठकर जनता से वोट मांगने निकले। वहीं बसपा प्रत्याशी के समर्थक DJ की धुन पर नाच रहे थे। बसपा प्रत्याशी के अनोखे प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि असमौली विधानसभा क्षेत्र से रफत अल्लाह बसपा प्रत्याशी हैं। वीडियो राजा बुजुर्ग गांव का बताया जा रहा है। प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। लखनऊ में एक प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। युवती के मुताबिक दोनों एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, इसी दौरान दोनों में दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार हो गया, जिसके बाद शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। साथ ही अलग बिरादरी होने की बात कहने पर
परिजनों को मना लेने की भी बात कही। वहीं शादी की बात करने पर प्रिंस ने जल्द ही कोर्ट मैरिज करने की बात कही। इस तरह 1.5 साल गुजरने पर जब शादी का दबाव बनाया गया तो मंदिर में जाकर मांग में सिंदूर भर दिया और जल्द शादी करने का वादा करके फरार हो गया। वहीं इस मामले पर प्रेमिका के पिता का साफ तौर पर कहना था कि उसके ऊपर दबाव बनाए गए हैं, लगातार परेशान किया जा रहा है। 36 घंटे बाद भी बख्शी का तालाब की पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। फैजुल्लागंज मरियाम की रहने वाली एक छात्रा के द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसके साथ SR कॉलेज BKT में पढ़ने वाले छात्र प्रिंस के विरुद्ध धोखाधड़ी करके शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है, जिसके क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरी बेटी को ब्लैकमेल करा गया, उसको न्याय के लिए हम परेशान हैं और दौड़ रहे हैं यहाँ थाने के चक्कर काट रहे हैं 15 दिन से। आज 16 दिन हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिला है, तो हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब जा करके FIR लिखी गई और अगर मीडिया का सहारा ना होता तो हमारा FIR लिखा नहीं जाता, क्योंकि ऊपर से फोर्स पड़ रहा था, उधर कहलाया जा रहा था। झूठ बोल करके और जालसाजी करके धोखा खड़ी हुई है। 1.5 साल से मेरे साथ फिजिकल हुए हैं, आर्थिक मदद भी ली गई मेरे से। फिजिकल हो करके शादी का झूठा वादा करे कि मैं शादी करूंगा इन फ्यूचर, एन मौके पर वो मुकर गए, बोले कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचान नहीं रहा है और मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, अपना स्टैंडर्ड नहीं है, स्टेटस अलग है। मैं थाने पर आई थी 17 जनवरी से दौड़ रही 27 जनवरी से मैं यहाँ पर। मेरी एक FIR 27 की जमा हो गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो SI थे वो उनसे उनके घर वालों से बात कर, लेकिन ना वो लोग आए ना मेरी FIR लिखी गई। वही अमेठी में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। मारपिटाई में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें CST से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों को पकड़कर थाने लाई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला जामो थाना क्षेत्र कस्बे का बताया जा रहा है। हम लोग घर में लेटे थे, आशीष पांडे, गोलू पांडे, विवेक पांडे, सरिता कुमारी, हमारे गोपाल जायसवाल, 5 लोग थे सर, गोपाल जायसवाल, आशीष पांडे, सरिता पांडे, विवेक पांडे। अमेठी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की DCM से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया। मामला शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस का एक बार कहर देखने को मिला है। टाकमिल चौराहे पर अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बस के टाकमिल चौराहे पर ही कुचलने से 6 लोगों की जान चली गई थी। कितने लोग घायल हुए हैं करीब? इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं, शायद 2 लोग ऑन स्पॉट अभी जो मैं देख के आ रहा हूँ सामने अपने। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में जेरी फार्म के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने बगल वाले मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के गांधीनगर में मोदी सरकार की तरफ से आधुनिक पहल की गई है। गुजरात के गांधीनगर शहर के मानसा में कृषि ड्रोन के जरिए IFFCO की तरफ से निर्मित तरल नैनो यूरिया के छिड़काव का ट्रायल किया गया। अब किसान का नया साथी ड्रोन बनने वाला है। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित दिशा में मोदी सरकार की आधुनिक पहल है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।